गुड न्यूज चाहे कुछ भी हो, हमें तो सिर्फ मजा ही करना है। वाह करेक्ट गोगी, देखना आज का दिन बहुत ही यादगार होगा। आज तो मस्त धमाल करेंगे। यहाँ पे टप्पू धमाल करेगा और यहाँ पे जेठलाल सलाम करेगा। मतलब अरे टप्पू मैं तुझे बताना ही भूल गया। एक्चुअली क्या हुआ है ना, जेठा अंकल और अय्यर अंकल के बीच गुड न्यूज गेस करने की शर्त लगी है। जो भी ये शर्त हारेगा ना, वो जीतने वाले के सामने झुक कर सलाम करेगा। तो शर्त हार कौन रहा है? अभी तो लग रहा है कि जेठा अंकल ही शर्त हारेंगे। नहीं नहीं गोली, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे पापा कच्ची माड़ू है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल कर शर्त जीत ही जाएंगे। अरे चलो चलो फ्रेंड्स, एंट्रेंस पे जाके खड़े होते हैं। जैसे अय्यर अंकल बबीता आंटी आए, हम लोग सेलिब्रेशन शुरू कर देंगे। क्या भगवान, राह देख रहा हूँ मैं अभी भी, मदद आई नहीं आपकी? कीजिए ना कुछ, कीजिए ना प्लीज। क्या कि एक बार पूरी सोसाइटी के सामने अगर झुकना पड़े तो मैं बिंदास झुक जाऊंगा, लेकिन बापूजी के सामने अय्यर भाई को झुक के सलाम करना, मतलब यह दृश्य देख के बेचारे बापूजी को कितनी तकलीफ होगी है? और क्या कि अभी मैं सोसाइटी से भाग भी नहीं सकता हूँ। सब उत्साही गोकुलधाम वासी नीचे कंपाउंड में जमा हो गए होंगे। देखे ना कुछ होता है तो देखो ना, मतलब टाइम है अभी भी थोड़ा, प्लीज। ओए गाड़ी इतनी आ रही है, अय्यर अंकल और बबीता आंटी आ गए, बजाओ ढोल। गोगी ढोल तेरे पास है, तुझे बजाना पड़ेगा भाई। मैंने पता है, मैं अपने आप को ही बोल रहा था। गाड़ी आ चुकी है। अरे अरे आ गए, अरे आइए ना, मैं ये तो गाड़ी नहीं टैक्सी है। इसका मतलब अय्यर शर्त जीत गया। जेठालाल बोलेगा अभी सलाम मालिक सलाम। ये ढोल कौन बजा रहा है? ये नक्की अय्यर भाई होंगे। देखो तो पूरी सोसाइटी के सामने मुझे नीचा दिखाने में कितना मजा आ रहा है इनको। एक साइंटिस्ट का ढोल बजा रहे हैं। अंजलि भाभी, तो अंजलि है। अंजलि भाभी जेठिया, जेठिया जी बाबूजी, चल चल जल्दी नीचे चल, लगता है खुशखबरी का कार्यक्रम शुरू हो गया। बाबूजी आप जाइए, मैं आता हूँ। क्यों? ओह हाँ, जल्दी आना। हाँ हाँ, हेलो। अरे वाह क्या बात है, एकदम धमाकेदार वेलकम किया मेरा। अरे वाह, व्हाट अ सरप्राइज। लाइए अंजलि आंटी, मैं आपका बैग रख देता हूँ। थैंक यू। क्या हुआ, ढोल क्यों बज रहा था? मेरे आने की खुशी में। तारा थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रैंड वेलकम। ये सब तुम्हारे लिए नहीं था? हाँ। तो फिर किसके लिए था? अय्यर और बबीता जी के लिए। हाँ। हाँ। वो क्या है ना, अय्यर और बबीता जी आज एक गुड न्यूज सुनाने वाले। हाँ, तो ये सब उनके लिए है। अच्छा, लेकिन कैसी गुड न्यूज? वो तो अब जब वो आएंगे तो पता चलेगा। और आपको पता है, अय्यर भाई और जेठा भाई में एक शर्त भी लगी है। अच्छा कैसी शर्त? मतलब मैं बिल्कुल सही टाइम पर आई हूँ। हाँ। लेकिन अंजलि तुम तो आज शाम को आने वाली थी ना? क्यों, आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए तो मैं चली जाती हूँ? अरे नहीं अंजलि, मैं तो तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। सेम थिंग, मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी इसलिए चली है। अरे भाई बच्चों क्या हुआ, खुशखबरी पता चली? नहीं अभी तक नहीं। नहीं दादाजी,
एक्चुअली हमें लगा कि बबीता आंटी और अय्यर अंकल आए, लेकिन अंजलि आंटी आ गए। बोलो। मतलब अय्यर और बबीता बेटी अभी तक आए नहीं? नहीं चाचा जी। भिड़े, अब तो चाचा जी भी आ गए, मतलब जेठालाल को चाचा जी के सामने अय्यर को सलाम करना पड़ेगा। हाँ। क्या बोला अभी तूने? सलाम? क्या सलाम? क्या सलाम? नहीं नहीं बाबा, कुछ नहीं कुछ। अरे ये जवाब ले ले भाई, क्या सलाम? क्या जवाब दे। वो भिड़ा बताएगा। बिल्ली मास्टर तू बता। वो अरे दोनों एक दूसरे को क्या देख रहे हो? जवाब दो, क्या सलाम? क्या चाचा जी शांत हो जाइए, बहुत छोटी सी बात है। अरे लेकिन बात क्या है वो तो बताओ। चाचा जी कल जेठालाल और अय्यर के बीच में शर्त लगी थी। कैसी शर्त? अय्यर की गुड न्यूज के बारे में। वो हुआ ये कि अय्यर गुड न्यूज बताने वाला था, जेठालाल ने उससे कह दिया कि वो गुड न्यूज के बारे में जानता है और उनके बीच में शर्त लग गई। फिर क्या? जेठालाल को लगा कि बबीता जी ने जो बम्पर प्राइज में कार जीती है वही गुड न्यूज अय्यर भाई देने वाले हैं। हाँ लेकिन अय्यर की गुड न्यूज कार वाली है ही नहीं, वो कोई दूसरी गुड न्यूज है। तो वो गुड न्यूज क्या है जानने के लिए हम सब यहाँ पे हैं। सही बात है। मतलब बबीता बेटी की कार गुड न्यूज नहीं है? नहीं, इसी वजह से जेठालाल शर्त हार गया है। लेकिन शर्त किस चीज की लगी थी? यही कि दोनों में से जो हारेगा वो जीतने वाले को सलाम करेगा। दाकुल रखा सकता। और सलाम कैसे करेगा वो भीड़े बताएगा। हाँ वो ऐसे सलाम मालिक सलाम, सलाम मालिक सलाम ऐसे झुक के 3 बार बोलेगा। और हालात को देख के लग रहा है कि अय्यरी शर्त जीतेगा और जेठालाल शर्त हार जाएगा। अच्छा, इसलिए वो अभी मेरे साथ नीचे नहीं आया। चाचा जी आप ही जेठालाल को बुलाइए ना नीचे, शायद सलाम करना पड़े, इस डर की वजह से वो नीचे नहीं आ रहा। हाँ चाचा जी जेठा भाई को बुलाइए। ए जेठिया, ए जेठिया। अरे बाप रे, लगता है बापू जी को सब पता चल गया। हेलो मेहता साहब, जरा बापू जी को साइड में ले जाके फोन दीजिए ना। हाँ चाचा जी। क्या है? साइड में आइए ना। क्यों? आपके लिए फोन है। हेलो चाचा जी, जरा धीरे से बात कीजिए ना। क्यों, किसका फोन है? अब बात कीजिए, आपको पता चल जाएगा। हेलो, कौन बोल रहा है? बापू जी मैं हूँ। अभी जेठालाल को दोनों तरफ से आवाज आ रही होगी। अरे मैं कब से तुझे नीचे बुला रहा हूँ और तू फोन कर रहा है। निशा, अभी का अभी नीचे आ। आया 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 बापू जी, आया अभी आया, अभी आया बापू जी, आया आया। धीरे धीरे नहीं बोल सकते, जेठिया का फोन है। आओ, ये सब लोग जो बोल रहे हैं वो सच है? तूने अय्यर से शर्त लगाई है? अरे मुंह में मंत्र क्या पड़ रहा है? जवाब दे, तूने अय्यर के साथ शर्त लगाई है या नहीं? क्या? हाँ। तो ऐसा जोर से बोलना, और शर्त लगाई है तो उसका स्वीकार कर। अरे तू कच्ची माड़ू है,
कच्ची माड़ू होके डर के घर में क्या बैठ गया था? अरे दोस्तों में तो ऐसी शर्त लगती रहती है। अरे हार गया तो भी क्या है, तेरी वजह से थोड़ी देर सबको मजा आ जाए। हाँ शर्त तो शर्त होती है, बरोबर है। चल जेठिया अभी हार गया है ना तू, तो तैयार हो जा भैया को सलाम करने के लिए। हाँ बराबर है, सलाम तो करना पड़ेगा। सही बात है। अब्दुल हाँ, तेरी दुकान पर पीठ दर्द वाला मलम है ना? हाँ है, चाहिए आपको? नहीं नहीं मुझे नहीं, अभी जेठालाल अय्यर भाई को झुककर सलाम करेगा तो उसे जरूरत पड़ सकती है ना। अरे नहीं नहीं, जेठा भाई बहुत स्ट्रांग है, उनको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। थैंक यू अब्दुल। पोपटलाल को दे वो मलम। नहीं मुझे क्यों भाई, मुझे थोड़ी झुककर सलाम करना है। नहीं पीठ के लिए नहीं, तेरे दिमाग के लिए, कपाड़ पे लगाने के लिए। अरे भाई हम सब लोग तो आ गए, लेकिन जो खुशखबरी देने वाले हैं वो अय्यर और बबीता भी टिका रहे हैं। हाँ 11:30 बज गए, अय्यर भाई और बबीता जी आए नहीं अभी तक। हाँ वो लोग आएंगे नहीं तो खुशखबरी कैसे पता चलेगी? सही बात है। मुझे लगता है अय्यर भाई मजाक कर रहे थे, कोई गुड न्यूज होगी ही नहीं। क्योंकि 11:30 बज गए, अभी तक नहीं आया मतलब कोई गुड न्यूज आई नहीं। चलो चलो भाई चलो, सब अपने अपने घर जाते हैं। एक मिनट, मैं अय्यर भाई को फोन करके पूछ लेता हूँ कहाँ तक पहुँचे हैं। आने तो जो, ये तो वही गाड़ी है जो बबीता जी ने लकी ड्रॉ में जीती थी। ये तो वही कार है। फिर तो मेरा अय्यर भाई ने हमें ऐसा क्यों बोला कि खुशखबरी कार वाली नहीं है? ये तो वही गाड़ी है जो बबीता जी जीते हैं लकी ड्रॉ में। अरे देखा, मैं जीत गया। बस बेटा बस। क्या अय्यर भाई मेरा अंदाजा सही निकला ना, गुड न्यूज कार की थी ना। मैं सर जीत गया। यस आई नो जेठालाल, कांग्रेचुलेशन। नहीं, खाली कांग्रेचुलेशन से काम नहीं चलेगा, सबके सामने मुझे झुक के सलाम करना पड़ेगा। बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। अरे जेठालाल तुम्हारा वजह से बबीता ने कार जीता है, उसका ड्रीम पूरा हुआ है, तो बिल्कुल सलाम करेगा और पूरा सोसाइटी के सामने करेगा। कितनी चाल, वाह व्हाट अ स्पोर्टिंग स्पिरिट। हां हां तो आ जाओ उधर मैदान में आ जाओ। करो अभी सलाम मालिक सलाम। अच्छा यार एक बात बताओ भाई, जब तुम्हें पता था कि जेठाल ने तुम्हारी गुड न्यूज बराबर गेस की है तो हमारे सामने मना क्यों किया? वो आदवाराम इसलिए कि मैं जेठालाल को इजीली जीतने नहीं देना चाहता था। अच्छा लेकिन कहता लास्ट मोमेंट तक टेंशन में था। अरे नहीं नहीं उसमें टेंशन क्या हो का। अरे ते सोड ना, माझी गैसिंग कशी होती। गैसिंग? अप्रतिम गैस केलास तू, कोणाला कळलंच नाही। मग लेकिन जनरल भले ही तुम शर्त जीत गया लेकिन मैं बाजीगर बन गया।
बाजीगर। अरे आत्मराम, वो शाहरुख खान ने बोला है ना कि कार को जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अरे ये अंकल, कार नहीं, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ऐसा है? हाँ। गोली मेरे को मालूम है, लेकिन मैं कार जीता हूँ ना। ए यार भाई, कार आप कहाँ जीते? कार तो बबीता जी जीते। तो उसे सबसे देखा जाए तो असली बाजीगरनी बबीता जी है। बाजीगरनी? ये लीजिए आप लोग प्रसाद लीजिए, कार की डिलीवरी लेके हम लोग मंदिर गए थे। अरे। अरे वाह, ये भी एकदम बबीता जी जैसे ही है, मस्त। अरे आप लोगों ने हमारे कार का नंबर देखा कि नहीं? हाँ, 2928। क्यों, कुछ खास बात है? हाँ हाँ बिल्कुल, 29 मेरा बर्थ डेट है और 28 बबीता का बर्थ डेट है। ओ, वेरी इंटरेस्टिंग। वाओ, सो थॉटफुल अय्यर अंकल। अय्यर भाई, मैं क्या कह रहा था? कार तो आ गई, पर एक प्रॉब्लम है। क्या? क्या प्रॉब्लम है? यही कि आपकी कार की डिलीवरी ना बारिश के मौसम के बाद होनी चाहिए थी। क्यों? क्यों? वो क्या है कि इतनी बारिश में पेट्रोल की टंकी में पानी चला गया तो। हाँ, और एक बात, बारिश में गड्ढे बहुत होते हैं और ये गाड़ी नहीं है, अगर गाड़ी का टायर गड्ढे में चला गया और फट गया तो। हाँ, और गड्ढों की वजह से कार का सस्पेंशन भी खराब हो सकता है। पर बारिश में कार के इंजन में भी पानी जा सकता है। अरे ओए, तुसी ये कहो जी गल्ला कर रहे हो, ओ ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो हाँ, आप लोगों का बात तो एकदम करेक्ट है। एक काम करता हूँ, मैं कार को सोसाइटी ऑफिस के सामने कवर डाल के पार कर देता हूँ, फिर जब बारिश खत्म हो जाएगा तब चलाएगा। अरे यार भाई, आप अपनी गाड़ी को यहाँ पार करेंगे और बारिश में गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गया तो? हाँ। और तो फिर अभी हम क्या करें, कार को घर पे रखे क्या? नहीं नहीं यार, घर पे क्यों रखना है, काम करो ना, गाड़ी नई नई है, बेच दो, मस्त पैसे आएंगे, उसको एफडी में डाल दो, अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा। क्या? हाँ, ये अच्छा आइडिया है, और अपना सोड़ी हाथों हाथ गाड़ी को बिकवा देगा और दाम भी अच्छे दिलाएगा, क्यों सोड़ी? हाँ, गड्डी तो मैं आज के आज बिकवा दूंगा। अरे अरे एक मिनट, अरे भाई, इतना मुश्किल से बबीता जी की गाड़ी आई है और आप लोग बोल रहे बेच दो। हाँ, मुझे नहीं बेचनी है कार। हाँ, हमको भी नहीं बेचना है। पर तो बारिश में इसका करोगे क्या यार भाई? हाँ, वो मैंने सोच लिया है कि जब भी ज्यादा बारिश होगा तो मैं ऑफिस के पार्किंग में कार को पार कर देगा, और फिर जैसे ही धूप आ जाएगा तो वापस लेके आ जाएगा। That's a very good idea, Ayer. Yes. Ayer अंकल, आप ऑफिस के पार्किंग में गाड़ी पार्क करो, उसके पहले यहाँ भी तो घुमा दो। हाँ, चलो राउंड मारते हैं। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है, क्या गोकुल धाम में आ गई है अय्यर और बबीता जी की नई कार। दोस्तों, जेठालाल और अय्यर के बीच में जो शर्त लगी थी वो बहुत ही रोमांचक थी, और हमारी तरह आप भी उत्सुक थे ये शर्त कौन जीतेगा, कौन हारेगा और कौन किसके सामने झुककर सलाम मालिक सलाम, सलाम मालिक सलाम बोलकर सलाम करेगा। वैसे जेठालाल शर्त तो जीत गया, लेकिन देखा जाए तो ये शर्त जेठालाल और अय्यर दोनों जीते, क्योंकि अय्यर ने जेठालाल को आखिरी समय तक टेंशन में रखा और उसे जीत की खुशी का एहसास होने ही नहीं दिया। चलिए, अब शर्त का चैप्टर खत्म हुआ, अब शुरू होता है कार का चैप्टर। यहाँ गोकुल धाम में आया है नया मेहमान, अब देखना यह है कि इस कार के आने की वजह से कौन से नए हंगामे होते हैं। लेकिन
आपके लिए इस सफर में हंसी और ठहाके ही हैं। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। वाह अय्यर भाई, चैलेंज हार गए, मजा आ गया। अरे नई गाड़ी आ गई तो अभी बबीता जी पार्टी कब दे रहे हैं भाई? पूछता हूँ। हाय जेठा जी, बोलिए। बधाई हो, बधाई हो मालकिन। मालकिन? अरे अब तो आप गाड़ी के मालकिन बन गई है ना। अरे क्या जेठा जी, आप भी ना। तो कैसा लग रहा है नई गाड़ी पाके? बहुत 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 अच्छा लगा। हाँ रे बबीता जी, अब तो आपको ये ऑटो रिक्शा की झंझट से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। जहाँ भी जाना हो गाड़ी में बैठो, एसी चालू करो और ये मस्त वातानुकूलित वातावरण में म्यूजिक सुनते सुनते जहाँ भी पहुँचना है पहुँच जाओ है? हाँ वो तो है। वेल जेठा जी, आई हैव टू से दिस, ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। सो थैंक यू सो 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 मच। नहीं 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 बबीता जी, ये जो कुछ हुआ है आपके नसीब की वजह से हुआ है। आपका नसीब इतना पावरफुल है कि इतने लोगों में से गाड़ी आपको ही लगी। बट अगर आपने भी हमें स्कीम के बारे में नहीं बताया होता तो मुझे गाड़ी मिलती नहीं। चलो ठीक है, आपका भी नहीं मेरा भी नहीं, हम दोनों का सहियारा नसीब काम कर गया। तो अभी पार्टी कब भी दे रहे हैं? जब आप बोलो। इनफैक्ट मैं और अय्यर तो यही सोच रहे थे कि एक दो दिन में चलते हम लोग बाहर कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करने। हम लोग मतलब आप और अय्यर भाई? नहीं नहीं, हम लोग मतलब मैं, अय्यर, आप, चाचा जी, टप्पू, हम लोग, हम सब लोग। अरे वाह वाह, हाँ हाँ, तो आप बताइए, नक्की करके बताइए कब जाना है, जाते हैं सब मिलके, मजा आएगा। ओके श्योर जेठा जी। ओके बाय, सी यू सून। ओके बाय, टेक केयर। अय्यर, जेठा जी का फोन था, वो पार्टी के बारे में पूछ रहे थे। हाँ तो जल्दी पार्टी करने जाएंगे। पर मैं क्या सोचता हूँ बबीता, कि पूरे गोकुलधाम वालों के लिए भी एक अच्छा पार्टी प्लान करते और ऐसा पार्टी देते कि सबको बड़ा मजा आ जाएगा। That's a great idea. और मैं ये भी सोच रही हूँ कि जेठा जी उनके फैमिली को ना एक अलग से स्पेशल ट्रीट देते। हाँ ये सही रहेगा, और मैं तो कहता हूँ 3-4 दिनों में ही पार्टी दे देते हैं। हाँ। ये तो जेठालाल रोज मेरे को पार्टी कब देगा, पार्टी कब देगा ऐसा बोलता रहेगा। क्या हुआ माधवी? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही सोच रही थी। अरे वाह, सोचो सोचो, सोचने से ना दिमाग की कसरत होती है। हाँ चलो गुड नाइट। क्या सोच रही हूँ जानने में इंटरेस्ट ही नहीं है। पूछिए ना मुझे कि मैं क्या सोच रही हूँ। अरे माधवी, चश्मा पहन के सोता हूँ क्या मैं तो मजाक कर रहा था। क्या है ना, पति पत्नी के बीच ऐसे कभी कभी थोड़ा बहुत मजाक होना चाहिए। बोलो क्या सोच रही थी? मैं ये सोच रही थी कि बबीता जी और अय्यर भाई कार को लेके कितना खुश होंगे ना। हाँ वो तो है, काश हमारे पास भी कार होती। बस इतनी सी बात? अरे तुम बोलो तो मैं कल के कल कार खरीद लूं। खरज? हाँ, कार खरीदना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन कार को मेंटेन करना मतलब हाथी पालने जैसा है। मंजे माधवी, एक तो पेट्रोल के दाम दिन ब दिन कितने बढ़ते जा रहे, वो एक बात है। फिर कार खरीदने के बाद उसका मेंटेनेंस आएगा, उसके इंश्योरेंस का खर्चा आएगा, फिर पार्किंग का लफड़ा। मतलब अगर हम लोग कहीं घूमने गए और गलती से किसी गलत जगह पे गाड़ी पार्क कर दी तो वहां पे आएंगे, ए चुकी चाटी गाड़ी डाली तुम्हें, चला फाइन भरा, तो फाइन भरना पड़ेगा। और क्या है ना माधवी, जैसे जैसे कार पुरानी होती जाएगी उसकी वैल्यू घटती जाएगी, डिप्रिसिएशन। अगर यही पैसा हम लोग FD में इन्वेस्ट करेंगे तो बढ़ता जाएगा, ऊपर से इंटरेस्ट मिलेगा वो अलग। ओ बरोबर है। और आगे जाके सोनू की पढ़ाई करनी है, उसके शादी के लिए पैसा जमा करना है। हाँ इसके बावजूद भी अगर तुम चाहती हो कि हमें कार खरीदनी चाहिए तो ठीक है, मैं कार खरीद लेता हूँ, खरीदू। हाँ हाय, मजाक कर रही हूँ।
आई जस्ट मिस्ड अ हार्ट बीट। आपने ही तो कहा बीच बीच में से पति पत्नी में मजाक होना जरूरी है। तो मतलब कार नहीं खरीदनी ना? नहीं नहीं अच्छी बात नहीं। कैसा लगी थी कार? अपना सखाराम मस्त है। वैसे एक बात कहूँ, आप शिक्षक बने ना वो बहुत अच्छा किया आपने। आप कितना से सहज सरल तरीके से समझाते हो, पटकन समझ में आ जाता है। नहीं थैंक यू माधुरी। मैं जानता हूँ कि हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह तुम्हारा भी सपना है कि हमारे पास भी एक कार हो। ठीक है, वो अगर नसीब में लिखी होगी ना कार तो मिलेगी। बबीता जी को नहीं मिली? हाँ बिल्कुल, देखो ना इतने सारे लोगों में सिर्फ बबीता जी को ही कार मिली। क्यों? क्योंकि उनका नसीब अच्छा था। अरे मस्त। तुम देखना माधवी, एक दिन हमारा भी नसीब चमकेगा और हमारे पास भी कार होगी। तब तक अपना सखाराम है ना, एक टायर कम है लेकिन कार से कम नहीं है। हंस, मैं क्या सोच रही थी, हम भी एक कार खरीद ही लेते। कोमल, हमें कार लेने की क्या जरूरत है? अरे जरूरत कैसे नहीं, पेशेंट देखने जाना हो, हॉस्पिटल जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, अपनी कार होगी तो आराम से बैठे और निकल पड़े। पर कोमल, मेरा क्लिनिक तो घर में ही है और किसी पेशेंट को देखने जाना हो या हॉस्पिटल जाना हो तो वो लोग कार खुद ही भेज देते हैं, तो फिर हमें कार लेने की क्या जरूरत है? हाँ वो बात तो है, पर अपनी कार हो तो बात ही कुछ अलग है। हाँ वो तो है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी एक कार खरीदूंगा। कब? जब गोली डॉक्टर बनेगा, उसे गिफ्ट करूंगा। तो हंस, मुझे लगता है तुम्हें कार लेने की नौबत ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा बेबी जब डॉक्टर बनेगा ना वो खुद ही कार लेगा। My baby, I'm proud of you. सही बात है, मेरा गोली तो कार ले ही लेगा। लेकिन एक नहीं दो। दो? हाँ, एक खुद के लिए और एक हमारे लिए। Super proud of you, my baby. तारक, मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम एक कार ले ले? आप रोज ऑफिस कार से जा सकते हैं, ये ऑटो टैक्सी का झंझट खत्म। अंजलि, आइडिया तो बहुत अच्छा है ना? लेकिन मुंबई के ट्रैफिक को तो तुम जानती हो ना, और गाड़ी भी मुझे खुद चलानी पड़ेगी, मतलब सारा ध्यान रोड पर। कैब में जाओ तो आराम से ऑफिस का काम करते करते पहुंच जाता हूँ, और ऑफिस के बाहर पार्किंग की जगह भी नहीं है, पार्क कहाँ करूंगा? गोकुलधाम में। हैं? हाँ। मतलब गाड़ी लेके ऑफिस जाऊं और पार्क करने दोबारा गोकुलधाम आऊं? हाँ। नहीं मतलब आप गोकुलधाम में पार्क कीजिए, आप कार मेरे लिए ले लीजिए। देखिए मैं वीकडेज पे महिला मंडल को घुमाऊंगी और वीकेंड्स पे मैं और आप एक साथ गाना सुनते सुनते गाना गाते गाते लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। बहुत मजा आएगा है ना? लेकिन मेरे दो सर वाले बॉस को बिल्कुल मजा नहीं आएगा। क्यों? अंजलि तुम मेरे बॉस को नहीं जानती, अगर उन्हें पता चला तो मेरी पगार बढ़ाने की बजाय घटा देंगे। इसका मतलब सिर्फ इसीलिए हम कभी कार नहीं लेंगे? नहीं नहीं कार लेंगे ना, लेकिन समय आने पर। और वो समय कब आएगा? समय जब आने वाला होगा तब आ जाएगा। बातें बनाने में एक्सपर्ट है। कार जब आने वाली होगी तब आ जाएगी, लेकिन फिलहाल नींद बहुत आ रही है, सो जाते हैं। आपको पता है ना कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you too. ओम मित्राय नमो मृवय नमो सूर्याय नमो भानवे नमो खगाय नमो पूष्णे नमः, ओम हिरणगर्भाय नमो मरीचय नमो आदित्याय नमो सवित्रे नमो अर्काय नमो भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धमो भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तु ते। मौसम विभाग से आ रही जानकारी के अनुसार अगले 3 दिनों तक मुंबई में जबरदस्त बारिश हो सकती है, तूफान आने की भी संभावना है, इसीलिए सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखे और देखते रहे कल तक। तेज बारिश और तूफान आने वाला है, मतलब हमारा न्यू कार सेफ नहीं है। बबीता, बबीता,
क्या भैया? बबीता न्यूज में बता रहे हैं कि मुंबई में 3 दिन तक तेज बारिश और तूफान आने वाला है। अच्छा तो फिर 3 दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लो। बबीता मैं अपने लिए टेंशन में नहीं हूँ, मेरे को कार का टेंशन है। अरे हाँ, ऐसी तूफानी बारिश में अगर कार पे पेड़ वगैरह गिर गया तो? नहीं नहीं, गाड़ी को ऐसे ओपन में रखना सेफ नहीं है। हाँ करेक्ट है, मैं काम करता हूँ, मेरे ऑफिस में सेफ पार्किंग है, वहाँ जाकर कार पार्क कर देता हूँ और जैसे ही वेदर ठीक हो जाएगा मैं कार वापस लेके आ जाऊंगा। हाँ दैट्स अ गुड आइडिया। अच्छा चलो मैं भी साथ में चलती हूँ। बबीता तुम क्यों परेशान होता है? अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली बागा भाई नट्टू काकड़ बावड़ी के लिए मैंने रसगुल्ले बनाए तो जाते जाते उनको देते हुए जाएंगे, गाड़ी आने की खुशी में उनका मुंह मीठा कराना बाकी है। हाँ हाँ हाँ, वो लोग नहीं होते तो कार मिलना मुश्किल था। चलो चलो पहले जयटालाल का दुकान पर चलते हैं। चलो चलो बागा भाई। जी नटू काका। अगले 3 दिन बारिश बहुत होने वाली है, ये सुनते ही सेठ जी ने आज छुट्टी तो नहीं ले ली? नहीं नटू काका, चाहे कितनी भी तेज बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन हमारे सेठ जी को दुकान आने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे सेठ जी आएंगे, जरूर आएंगे। गुड मॉर्निंग बागेश्वर जी। बागा। गुड मॉर्निंग मटकू काका। अरे बावड़ी तू क्यों आ गई? सेठ जी ने तुझे देख लिया तो हमारी मॉर्निंग बैड हो जाएगी। रिलैक्स नट्टू काका, किसी की मॉर्निंग बैड नहीं होगी। मैंने अब्दुल भाई से मस्त सेटिंग कर ली है, जैसे ही सेठ जी गोकुलधाम सोसाइटी से दुकान आने के लिए निकलेंगे अब्दुल भाई मुझे फोन कर देंगे। हाँ और उनका फोन आते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अगर मैं उनके सामने ही नहीं रहूंगी तो वो गुस्सा ही नहीं होंगे और हमारी मॉर्निंग भी बैड नहीं होगी। वाओ, स्मार्ट कपल। थैंक यू। सुनिए ना बागेश्वर जी, आज से 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना है, तो आप पेठा जी को कॉल करके बोलिए ना कि आपको छुट्टी दे दे तो हम कहीं घूमने जा सकते हैं। कोनी के टाइम सेठ जी को छुट्टी के लिए फोन करेंगे तो सेठ जी हम पे बरस पड़ेंगे। बरसना तो आज हमें है सेठ जी पे, कल बबीता जी की कार आ गई और उन्होंने हमें बताया भी नहीं। ये तो टप्पू सेठ जी के सोशल मीडिया से मुझे पता चला कि कल बबीता जी की कार आ गई। वही तो, गोकुलधाम सोसाइटी से भी किसी ने हमें इनवाइट नहीं किया। तो उनकी गाड़ी के लिए कितना कुछ किया हमने, कितनी भाग दौड़ की और वो लोग हमें ही भूल गए। आगा बॉय डोंट वरी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाय, कैसे आप लोग? हम लोग आपसे बहुत नाराज हैं। क्यों? कल आप लोगों की कार आ गई और आप लोगों ने हमें ही नहीं बताया, हमें ही भूल गए। कौन बोला तुमको कि हमने तुमको भूल गए? बबीता ने रसगुल्ला बनाया है तुम लोगों के लिए, देखो। तो, देखो बबीता। ये लीजिए, ये स्पेशल आप लोगों के लिए है। थैंक यू। आप लोगों ने हमें कार दिलवाने के लिए कितनी भाग दौड़ की। तुम लोगों ने इतना मेहनत किया इसलिए हमारा कार टाइम पर आ गया। आप लोग भी जेठा जी की तरह जरिया बने हैं कार मिलने का, तो मैं आप लोगों को कैसे भूल सकती हूँ? इसके लिए थैंक यू बबीता जी, थैंक यू फॉर द रसगुल्लास। यू मोस्ट वेलकम। लेकिन आपको अपनी गुड न्यूज देखने हमें बुलाना चाहिए था। दरअसल क्या हुआ कि मेरे और जयदलाल के बीच में एक शर्त लगा था। शर्त? कैसी शर्त? वो क्या हुआ कि अच्छा नट्टू काका, शर्त की वजह से ये लोग हमें बुलाना भूल गए और मैं पगला ये सोच रहा था कि ये लोग हमें बुलाना ही भूल गए। नहीं बागा भाई, अगर मैं आप लोगों को भूल गई होती तो स्पेशल आप लोगों के लिए रसगुल्ला बना के थोड़ी लाती। थैंक यू पपीता जी, थैंक यू टायर भाई। पपीता जी नहीं बबीता जी, और मैं टायर भाई नहीं अय्यर भाई। सॉरी सॉरी अय्यर भाई, सॉरी बबीता जी, वो बावरी जी को गलती से मिस्टेक करने की आदत है। आप लोग आइए ना बैठिए, सेठ जी भी आते ही होंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा सेठ जी आने से पहले हमको भागना है। क्यों?
उनके लिए रसगुल्ला लाना भूल गए क्या? नहीं नहीं, अरे ऐसा बात नहीं है, कहीं जेठालाल आएगा ना तो हमको फालूदा रजवाड़ी चाय पिलाने का जिद करेगा, तो हमको लेट हो जाएगा। और फिर क्या है ना, बारिश फास्ट होने से पहले हमको हमारे ऑफिस के पार्किंग में हमारा कार पार्क करना है, तो अब हम चलते हैं। ओ अच्छा अच्छा ठीक है। वैसे अय्यर भाई, बबीता जी, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द कार। थैंक यू सो मच। चलो हम लोग चलते। बाबरी तुम भी निकलो, नहीं तो जेठालाल आएगा तो गुस्सा करेगा। अय्यर भाई, सेठ जी बावरी जी को देख ही नहीं पाएंगे तो गुस्सा कैसे करेंगे? अरे देख कैसे नहीं पाएगा, जेठालाल आएगा तो तुम क्या उसके आंख पर पट्टी बांध देगा क्या? अय्यर भाई आप भी, हमारे पास एक ऐसा अलार्म है जो सेठ जी के आने की चेतावनी हमें देता है। और सेठ जी के आने की चेतावनी मिलते ही बावरी फुर रो जाएगी और सेठ जी को दिखेगी भी नहीं। ऐसा कौन सा अलार्म है? वो है एक सीक्रेट अलार्म। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो हैव अ नाइस डे। ओके बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय। भागा बॉय, ये बबीता जी और अय्यर भाई की कार के लिए पार्टी करते हैं, गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं। चाय नाश्ता सेठ जी के आने के बाद मंगाते हैं, पहले इस रसगुल्ले का लुत्फ उठाएं। हाँ हाँ। वाह वाह वाह, क्या मौसम है, इस मौसम में गर्मा गर्म समोसे और भजिए मिल जाते तो मजा आ जाता। तारक, अंजलि ये सब मेरे लिए? खाइए ना। आहा, जरूर। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरी अंजलि नहीं हो सकती। मेरी अंजलि की हमशक्ल तो नहीं हो ना? क्या? प्रूफ करो। प्रूफ? हाँ करो करो, प्रूफ करो। ठीक है तो मत खाइए। नहीं 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 नहीं, तुम मेरी अंजलि हो। प्रूफ हो गया? हो गया, प्रूफ हो गया। आप खाए? हाँ। वैसे अंजलि, तुम्हारे डाइट फूड का भूत कैसे उतर गया? हुजूर ये मौसम का कसूर है। वाह 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 वाह, क्या शायराना अंदाज हो रहा है, वाह। अब आप जल्दी से खाइए वरना ठंडे हो जाएंगे। हाँ, इस मौसम में समोसे गर्मा गर्म खाने का ही मजा आता है। वाह 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 अंजलि, मजा आ गया। तुम खाओ। मजा आ गया अंजलि, मजा आ गया। ये बादल कितने जोरों से गरज रहे हैं, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। रुकनी भी नहीं चाहिए। भाई इस बारिश की वजह से अगर ऐसा रोमांस हो तो बारिश रुकनी नहीं चाहिए। वैसे तारक, अगर कल भी ऐसी ही बारिश होती रहे तो फिर आपको तो ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगी ना? क्या अंजलि, तुम मेरे दोसर वाले बॉस को नहीं जानती क्या? अरे उसका बस चले तो संडे को भी ऑफिस बुलाएगा, कल छुट्टी नहीं मिल सकती। क्या अंजलि, इतना सब अच्छा खिलाया और ऐसी बातें करके इस पल का मजा किरकिरा कर दिया। तो इस पल को एंजॉय कीजिए ना, कल की कल देखेंगे। सही कहा अंजलि, आज अभी में जियो तो जिंदगी जीने का मजा आएगा, कल की कल पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। वाह वाह। दोस्तों, मिडिल क्लास लोगों के लिए कार खरीदना कोई आम बात नहीं है, उनके लिए नई कार मतलब एक इमोशन है, उनके लिए नई कार एक सपना है, उनके लिए पहली कार की याद माशूका की तरह होती है जो उनके दिल से कभी नहीं जाती, उनके लिए पहली कार मतलब एक नवजात शिशु की तरह होती है जिसे वो लाड़ प्यार करते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि पहली कार उनके लिए एक इमोशन है। अय्यर और बबीता जी लकी निकले कि उनके सपने पूरे हो गए, वरना कई लोगों के सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं, और सपनों का क्या है, वो आज नहीं तो कल पूरे हो ही जाते हैं। जो लोग हार नहीं मानते, जो लोग हिम्मत नहीं हारते, जो लोग अपने सपनों की तरफ डटे रहते हैं, उनके सपने पूरे होते हैं, क्योंकि ऊपर वाला अपनी कृपा जरूर बरसाता है। भाई, बरसाने से याद आया कि न्यूज चैनल में तेज बरसात की वार्निंग दी जा रही है, अब ये बरसात गोकुल धाम में कौन सा नया हंगामा लाएगी,
टेंशन होगा या फिर खुशियां आएगी, ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक बारिश का आनंद उठाइए, चाय पकौड़े खाइए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।